आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर चुनावी साल में बीजेपी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। रायपुर में बड़ी संख्या में बीजेपी का दामन थामा है नेताओं ने। 377 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, जिसमें गोंडवाना समाज के संगठन मंत्री विकेश कुमार भी शामिल हैं। वहीं पूर्व संयुक्त कलेक्टर पीआर निर्मल भी बीजेपी में ज्वाइन हुए। वहीं समाज सेवा से जुड़े कई लोग बीजेपी में शामिल हुए। सौ से अधिक लोगों का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ है। कांकेर जिले से 350 लोगों का गोंडवाना गोंड महासभा के बड़े बड़े पदाधिकारी, सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी, वैश्य समाज के अनेक पदाधिकारी, पूर्व संयुक्त कलेक्टर जैसे महत्वपूर्ण लोगों का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश हुआ है। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, ताकत मिलेगी और राज्य की इस अन्यायी और अत्याचारी भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने में ताकत मिलेगी। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बड़ा बयान दिया। रमन सिंह का दावा है कि इस बार बस्तर में परिवर्तन तय है। जितनी संख्या में लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ये लोग बस्तर में परिवर्तन लाएंगे और 2030 विधानसभा चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। आज ये बात कर साबित कर दिए गए कि 23 में भूपेश के भ्रष्ट और बेईमान सरकार ला उखाड़ फेंकना है। ओकर शुरुआत आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सैकड़ों साथी उनके प्रवेश के साथ शुरू हो गए हैं और ये 23 में परिवर्तन निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित। आज विकास की बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मगर ये बात हमेशा दोहराना है कि भूपेश के आय के बाद ये 4.5 साल में सिर्फ और सिर्फ बस्तर के शोषण हुए है। शोषण के सिवाय कुछ नहीं हुए है। सारे विकास का मैंने रोके है तो रोकने वाला ला बदले की जरूरत है और 2023 में परिवर्तन करेंगे, संकल्प हमला लेना है। इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है और बीजेपी नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे की प्रसन्नता ये बता रही है कि कहीं ना कहीं पार्टी का मनोबल जरूर बढ़ा है। देखिए सुमित, अभी कुछ दिन पहले लगभग 400 से अधिक जो कार्यकर्ता है वो प्रवेश किए, जिसमें जो छालीवुड के कलाकार है वो भी शामिल थे, कुछ प्रशासनिक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी थे वो भी शामिल है और आज लगभग 400 लोगों ने भाजपा की सदस्यता है वो ग्रहण की है, जिसमें गोंडवाना समाज के जो पार्टी है उसके हैं, सर्व आदिवासी समाज के हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस प्रवेश को लेकर के बीजेपी की बाँछें हैं वो खिली हुई है और जिस तरह से बीजेपी आत्मविश्वास से लगातार लबरेज दिख रही है और अरुण साव ने भी कहा है कि जो आला नेता बीजेपी के जो बस्तर का दौरा कर रहे हैं और जिस तरह से पार्टी की गतिविधियां चल रही हैं, पार्टी के रीति नीति से प्रभावित होकर के लगातार अब बीजेपी में जुड़ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने साफ तौर पर तो मंच से ऐलान ही कर दिया है कि अब 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आएगी और जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है और पूरा आत्मविश्वास बीजेपी का दिख रहा है कि सत्ता परिवर्तन के लिए वो बिल्कुल उतारू हैं, आमादा हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भाजपा का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है और लगातार जिस तरह से प्रवेश हो रहा है, एक तरह से कहा जा सकता है कि भाजपा में एक खुशी का माहौल है, खुशी का लहर है और उसी को लेकर के सीधा सीधा अब सरकार पर हमला बोला जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बस्तर ही नहीं बल्कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता पर लौटेगी। जी सुमित, युगल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे